स्वागत करती हूँ केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खुटार क्षेत्र के कहमरिया में विधवा महिला श्रीदेवी की घर में लगी भीषण आग, जिसमें लाखों का नुकसान। गांव विधवा महिला का रो रोकर बुरा हाल। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जनपद सजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित श्रीदेवी का घर जलकर हुआ राख। पीड़ित का कहना है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रहेंगे, रो रोकर बुरा हाल है। पीड़ित विधवा महिला श्रीदेवी ने उत्तर प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद के लिए फरियाद की। थाना खुटार क्षेत्र के ग्राम कहिमरिया में लगी विधवा महिला श्रीदेवी के घर में लगी भीषण आग, जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। पराली जलाने से अचानक किसी कारण लगी आग, जहाँ विधवा महिला श्रीदेवी का घर जलकर हुआ राख। आपको बता दें कि थाना खुटार क्षेत्र के ग्राम कहमरिया में किसी तरह पराली जलाने से लगी भीषण आग, जहां परशुराम के घर का सामान, नगद में रखे कुछ रुपए, घरेलू सामान सहित जलकर राख हुआ, जिसकी सूचना फायर स्टेशन को दी गई, लेकिन फायर स्टेशन से गाड़ी ना आ सकी। जैसे तैसे ग्रामवासियों की सहायता से दवा लगाने वाली स्प्रे मशीन द्वारा पानी से छिड़काव कर आग पर काबू पाया जा सका, जिससे विधवा महिला श्रीदेवी को और उनके परिवार को गाँव वालों की मदद से बचाया जा सका। लेकिन घर सहित घर में रखा घरेलू सामान व नगद में रखे रुपये नहीं बच सके। विधवा महिला श्रीदेवी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की, जिससे पीड़ित विधवा महिला श्रीदेवी ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो सके। और तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? अच्छा, कोई करने वाला घर में नहीं है तुम्हारे? करने वाला नहीं, लड़का मर गया है। अच्छा जी, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो सरकार से क्या चाहती हो? मदद चाहते हैं भैया। चलो ठीक है, देखते हैं, पूरी मदद कराएंगे आपकी। बच्चों के लिए मदद कर दो। ठीक है ठीक है।